तो हाय फ्रेंड्स, फिर से आप लोग एक न्यू वीडियो लाए। इस वीडियो में बताएंगे आप लोग व्हाट्सएप व्हाट्सएप का 10 न्यू फीचर के बारे में, जो आप लोग अभी तक तो नहीं जानते होंगे। जानते भी होंगे तो आप लोग पता नहीं होगा कि फीचर के बारे में क्या होता है। तो आप लोग जानना चाहते हैं कि 10 फीचर क्या है जो हमें पता नहीं है, और 10 फीचर आप लोग जब देख लीजिए तो कहिएगा ये मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। तो आप लोग जानना चाहते हैं 10 फीचर क्या है व्हाट्सएप का, तो प्लीज़ वीडियो हो तो शेयर नहीं कीजिए, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के पास, तो उसे पता चलेगा फ्यूचर क्या है। तो आप लोग नहीं चलना खैर शेयर करना चाहते नहीं कीजिए, से जरूर कर दीजिए। अपने इंस्टाग्राम फोन की जाइए, इंस्टाग्राम फोन कीजिए, वहाँ भी छोटा छोटा वीडियो देखने को मिलता रहता है हर रोज। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, वीडियो को शुरू कर। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना ठीक। और ये फीचर अभी तो आप लोग जो है यूट्यूब पर आपको देखने को नहीं मिलता मिला होगा। और अभी जो लास्ट फीचर जो दो फीचर बताएंगे, वो फीचर सबसे बढ़ के दो फीचर वो लास्ट फीचर है, दो फीचर जो सबसे बढ़ के। तो चलिए आप लोग व्हाट्सएप को ओपन करने, कोई व्हाट्सएप जी व्हाट्सएप ओल्ड व्हाट्सएप जो भी व्हाट्सएप हो, सभी में ये सेटिंग आप लोग सभी में काम आने वाला है। तो व्हाट्सएप को ओपन कीजिएगा, व्हाट्सएप ओपन करने वाले सेटिंग में ओपन करना है। तो पहला फीचर क्या आप लोगों को, पहला फीचर जानने के लिए कहीं आप लोग जानना नहीं पड़ेगा। आप लोग व्हाट्सएप कोई इसके लिए कोई एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा, ओनली आप लोग व्हाट्सएप को आप लोग व्हाट्सएप से ही कर सकते हो। तो उसके लिए आप लोग क्या करना है, जैसे फ्रेंड आप लोग को आप लोग ऑनलाइन रहते हैं, तो ऑनलाइन रहते हैं तो आप लोग फ्रेंड को पता चल जाएगा कि ये इतना बजे ऑनलाइन आया, इतना बजे लास्ट सीन था, इतना बजे ऑफलाइन गया, तो उसे पता चल जाता है। लेकिन आप लोग इसे जो आप लोग को ऑफ जब कर दीजिएगा, आप माइक कॉन्टेक्ट मतलब कॉन्टेक्ट को नहीं दिखाना चाहते तो यहाँ कॉन्टेक्ट को शेयर करके दिखा सकते हैं, या माइक कॉन्टेक्ट मतलब जो अपना फ्रेंड को अपना दिखाना चाहते हैं कि मैं इतना बजे ऑफ आया ऑनलाइन गया, और अदर सब नहीं दिखाना चाहते तो नो बॉडी पर कह दीजिए, कोई भी नहीं देख पाएगा। और अगर अभी वन कर दीजिएगा तो आप लोग कब ऑफलाइन आए कब ऑनलाइन गया आप सभी यहाँ पर पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कर ऑन ऑफ कर सकते हैं। रुकिए, ऐसा नहीं लगा आप समझ समझ रहे हैं कि मेरा जो है ये ओल्ड फ्यूचर है। आप लोग पूरा वीडियो देख लिया, आपको समझ में आया कि क्या ओल्ड फ्यूचर है क्या न्यू फ्यूचर है। तो दूसरा ट्रिक क्या है, दूसरा ट्रिक क्या है, जैसे आप लोग प्रोफाइल फोटो लगाते हैं और अपना फ्रेंड को किसी नहीं दिया, जैसे पर्सनल कोई कोई अपने गर्लफ्रेंड का फोटो लगाते हैं या किसी और का फोटो लगाते हैं, तो ऐसा कोई होता है कि बहुत सारा आप लोग कॉन्टैक्ट में सेव जो किए नंबर उसको आप लोग नहीं दिखाना चाहते, बहुत सारा ऐसा होता है कि दिखाना चाहते हैं, बहुत सारा दिखाना नहीं चाहते। तो उसके लिए कहीं भी नहीं जाना, प्राइवेसी पर क्लिक करना, प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करना, यहाँ पर देखिए माई कॉन्टैक्ट जो भी कॉन्टैक्ट आप लोग माई कॉन्टैक्ट जो भी सेव होगा वही देखेगा, और माई कॉन्टैक्ट एक्सपर्ट जो भी हमें सेलेक्ट करेंगे उसको नहीं देख पाएगा। मतलब जिसको हम यहाँ से हम जो चूज कर देंगे उस पर, चूज करने के बाद आप लोग यहाँ से जो भी चीज़ चूज करेंगे उसी को आप लोग देख सकते, अदर जो है दूसरे को नहीं देख सकता। यहाँ से चूज करने आप लोग इस नंबर पर क्लिक करेंगे माइक कॉन्टैक्ट जो है, जिसे आप लोग को यहाँ पर ऑन कर देंगे वो आप लोग नहीं अच्छे से देखेगा, और जो जिसको नहीं करेंगे वो देख लेगा। तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो, नो बडी पर कीजिएगा, नो बडी वहाँ पर कोई भी नहीं देख पाएगा, और एवरी वन में क्या होगा पूरे जितना आपको मोबाइल में फोन नंबर होगा सभी आप लोग देख पाएंगे। तो चलिए थर्ड क्या ट्रिक है, थर्ड ट्रिक क्या है, तो थर्ड ट्रिक वजह से थर्ड ट्रिक आप लोग क्या, जैसे किसी आप लोग को ऐसा स्टेटस लगा देते हैं, ऐसा फोटो लगा देते हैं किसी आप लोग फैमिली हो गया या किसी और फ्रेंड को दिखाना नहीं चाहते कि मैं ऐसा स्टेटस लगा के अपने फ्रेंड या स्टेटस को दिखाना नहीं चाहते, तो उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग ऐसा स्टेटस लगाते हैं आप लोग किसी फ्रेंड को दिखाना नहीं चाहते, नहीं आप लोग फैमिली दिखाना चाहते, तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए कहीं नहीं फिर से आप थ्री डॉट पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करने पर सेटिंग पर क्लिक करना है, फिर से अकाउंट में जाना है, उसके बाद फिर से प्राइवेसी पर जाना है, उसके बाद यहाँ पर स्टेटस का ऑप्शन आप लोग मिलेगा। तो स्टेटस का ऑप्शन भाई माई कॉन्टैक्ट पर कर दे तो ओल्ड कॉन्टैक्ट देखेगा, और उसका माई जो न्यू नीचे आएगा जो माई कॉन्टैक्ट से एक्सप्लाई आएगा उस पर जो क्लिक करेंगे जिसको चूज करेंगे वो नहीं देख पाएगा, जिसको चूज नहीं करेंगे वो आप लोग जो है देख पाएंगे। यहाँ से माई कॉन्टैक्ट पर क्लिक आप लोग करके कर सकते हैं, ओनली शेयर कर शेयर कर सकते हैं। तो चौथा ट्रिक है, चौथा ट्रिक जिसे आप लोग को, चौथा ट्रिक क्या, जिससे आप लोग कोई फ्रेंड ग्रुप में बिना आपके परमिशन लिए बिना आपको जानकारी दिए आप लोग कोई ग्रुप में छोड़ देता है, तो आप लोग चाहते हैं कि जो बिना परमिशन लिए बिना मतलब पूछे कोई ग्रुप में मुझे नहीं डाले, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना आप लोग थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और थ्री डॉट पर क्लिक करने पर आप लोग क्या सेटिंग करना पड़ेगा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा, सेटिंग पर क्लिक कीजिएगा, सेटिंग पर फिर से अकाउंट पर क्लिक कीजिए, और फिर से प्राइवेसी पर क्लिक कीजिए, और फिर नीचे आइएगा उसके बाद ग्रुप्स का ऑप्शन मिलेगा, ग्रुप्स का ऑप्शन क्या जिसे एवरी वन कर दीजिए तो कोई आप लोग जो ग्रुप में जोड़ सकता है, और माइक कॉन्टेक्ट कर दे तो ओनली कॉन्टेक्ट से जोड़ सकता है। तो माई कॉन्टैक्ट में जो सेलेक्ट कीजिएगा ये हमको नहीं जोड़ सकता, तो यहाँ से आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट करके ऑन कर सकते हैं कि यही जोड़ सकता है, अदर कोई नहीं जोड़ सकता। तो पांचवा ट्रिक क्या, जैसे फ्रेंड आप लोग जैसे आप लोग कोई व्हाट्सएप हैक करता है, व्हाट्सएप किसी और डिवाइस में कोई ओपन करना चाहता है तो व्हाट्सएप को ओपन कर लेता है, लेकिन जब आप लोग सेटिंग कर लीजिएगा इसे, जब आप लोग ऑन कर लीजिएगा, ऑन करने पर आप लोग फ्रेंड अगर किसी दूसरे अकाउंट में इस नंबर से लॉगिन करेगा तो उसको आप लोग को लॉगिन करने समय कोड मांगेगा, कोड पता नहीं रहेगा तो व्हाट्सएप को ओपन नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आप लोग क्या करना है, उसके लिए थ्री डॉट पर क्लिक करना, सेटिंग पर क्लिक करना, अकाउंट पर क्लिक करना, उसको टू स्टेप वेरिफिकेशन एक ऑप्शन होता है, इसको जब आप लोग इनेबल कर लीजिएगा, इसको जब इनेबल कीजिएगा तो वहाँ आप लोग
देखिए डिसेबल, ये मेरा इनेबल हो चुका है। यहाँ पर इनेबल का ऑप्शन मिलेगा, इनेबल कर लीजिएगा। उसके बाद चेंज पिन में आप लोग चेंज पिन भी कर सकते हैं, एड्रेस भी, ईमेल चेंज भी कर सकते हैं। तो आप लोग ईमेल रहेगा, उसके बाद पिन जो भी 4 अंक का पिन रहेगा पिन आप लोग डालिएगा। पिन डालने बाद आप लोग क्या होगा, आप लोग व्हाट्सएप टू स्टेप सिक्योर हो जाएगा, कोई आप लोग व्हाट्सएप को हैक नहीं कर पाएगा। जैसे यूट्यूब में भी होता है कि टू स्टेप भी हैक कर सकते हैं, यूट्यूब हैक करने का मतलब कम चांस रहता है। उसी तरह व्हाट्सएप को जो हैक आप लोग यहाँ पर टू स्टेप कर दीजिएगा तो हैक होना जो है कम चांस होगा। तो छठा ट्रिक है, छठा ट्रिक चलिए बताते हैं। छठा ट्रिक, जैसे फ्रेंड आपको कोई मैसेज आता है, किसी का मैसेज आता है या ग्रुप का मैसेज आता है या व्हाट्सएप स्टेटस का मैसेज आता है तो आप लोग रिंगटोन का साउंड होता है। लेकिन आप लोग अगर सेव नहीं करें तो कोई मैसेज आता है तो आप लोग पता नहीं चलता है कि मेरा मैसेज आया या नहीं आया। तो आप लोग रिंगटोन सेव करना चाहते हैं तो सेटिंग पर क्लिक कीजिए और उसका नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, उसको नोटिफिकेशन देखिए टोन मिलेगा आप लोग को। तो ये मैसेज आप लोग तो आएगा तो नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर टोन बजेगा, जो भी टोन सेव करना चाहता है वो टोन पर क्लिक कर देगा तो टोन आप लोग जिस मैसेज आएगा उस तरह आप लोग टोन बजेगा। ये जो आप लोग को कोई मैसेज में भी आएगा ग्रुप में सेव कीजिएगा तो ग्रुप में भी आप लोग यहाँ पर जो भी आप मैसेज मेरे टोन रखना चाहते हैं आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट करके रख सकते हैं। उसके नीचे आएगा तो नीचे आप लोग ग्रुप में भी देखने को, ग्रुप में भी आप लोग सेव कर सकते हैं। ग्रुप में मैसेज आएगा तो ग्रुप का भी आप लोग सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसका ग्रुप में भी आप लोग भी सेव कर सकते हैं, सब कोई नहीं आप लोग ग्रुप में नहीं सेव कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग नेक्स्ट सातवां ट्रिक बताते हैं। सातवां ट्रिक इसी में आप लोग क्या, जैसे आप लोग फ्रेंड को जो मैसेज आप लोग कोई मैसेज आप आता है तो मैसेज आता है तो व्हाट्सअप लोग ऑफ रहता है और पता नहीं चल पाता कि मैसेज आया या नहीं आया। तो आप लोग इससे एक पॉपअप का सेटिंग होता है, जब मैसेज आप लोग आएगा तो छोटा सा आप लोग स्क्रीन पर फोटो का ऑप्शन आप लोग को हो जाएगा, वहीं से आप लोग मैसेज देख के मैसेज आप लोग लिख के वहाँ से आप लोग सेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग को एक मैसेज आप लोग यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देखने को मिल जाएगा पॉपअप नोटिफिकेशन, जो आप लोग इसे ऑन कीजिएगा। जब आप पॉपअप नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ पर देखिए पॉपअप नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए तो ओनली वेन स्क्रीन ऑन, मतलब स्क्रीन ऑन रहेगा तभी पॉपअप सेटिंग काम करेगा। अगर ये सेटिंग कीजिएगा तो ऑफ रहेगा तब काम करेगा, या ऑलवेज करेगा तो कभी ऑन ऑफ रहेगा तो उस समय भी आएगा, ऑफ रहेगा उस समय भी ऑन आएगा तो उस समय भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑलवेज कर दीजिएगा, अगर अगर एक चीज़ कीजिएगा तो ऑन रहेगा तो ऑन आएगा, ऑफ कीजिए तो ऑफ आएगा, ऑलवेज कीजिएगा तो हर समय दोनों समय आएगा ऑफ ऑन में आएगा। तो नोबडी करना चाहते तो नहीं आएगा मैसेज पॉपअप, आप व्हाट्सएप ओपन कीजिएगा तो मैसेज स्क्रीन पर ही देखने को मिल जाता है। आठवां ट्रिक है, आठवां ट्रिक आपको देखने को मिलेगा, आठवां ट्रिक क्या, तो ये तीन फीचर लोग ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे कि आप लोग क्या, जैसे आपको कोई फोटो अपने आप ही डाउनलोड हो जाता है, कोई वीडियो अपने आप ही डाउनलोड हो जाता है, जैसे व्हाट्सएप ओपन किए फोटो वीडियो डाउनलोड हो जाता है अपने आप ही हो जाता है। तो इसे क्या आप लोग अपना परमिशन लेकर डाउनलोड करना है, जैसे आप डाउनलोड करेंगे तभी डाउनलोड होगा। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे कोई ग्रुप में फोटो आ जाता है या फाइल में कोई फोटो भेजता है फोटो अपने आप ही डाउनलोड हो जाता है, वाईफाई चालू करते डाउनलोड हो जाता है, नेट चालू करते डाउनलोड हो जाता है, लेकिन आप डाउनलोड करेंगे तभी डाउनलोड होगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आप लोग को ओनली 3 रुपये क्लिक करना है और 3 रुपये क्लिक करने के सेटिंग पर क्लिक करना है, सेटिंग पर क्लिक स्टोरेज एंड डाटा पर क्लिक करना। उसके बाद देखिए यहाँ पर बैन यूजिंग मोबाइल डाटा, मतलब यहाँ पर आप लोग क्या, जैसे आपका परमिशन होगा डाउनलोड करने तभी डाउनलोड कीजिएगा, परमिशन नहीं होगा डाउनलोड करने नहीं आप लोग कीजिएगा, आपका मर्जी। और अगर ये आप लोग को नहीं कीजिएगा, अगर ऑन रखिएगा, अगर देखिए परमिशन अगर ऑन रखिएगा तब क्या होगा, डाटा खोलिएगा और सभी फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट जो भी होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर ऑफ कर दीजिएगा तो कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया वीडियो हो गया फोटो हो गया कोई भी डाउनलोड नहीं होगा। अगर यहाँ से ऑन अगर ऑफ करके रखते ऑफ करके रखते हैं तो यहाँ से ऑन भी करके आप रख सकते हैं। डाउनलोड करना आप नहीं चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ रख सकते हैं। तो अगर वाईफाई से आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक नंबर ट्रिक देख लीजिए, दमा दसवां ट्रिक सत्तर आठवां तक आप लोग देखना भी जो बहुत जरूरी है। तो इसी आप लोग कोई फ्रेंड को फोटो भेजते हैं तो क्या होता है, आप लोग डॉक्यूमेंट भी भेजते तो फोटो क्लियर जाता है, ठीक है। और आप लोग अगर जैसे फोटो ओनली फोटो सेंड करना चाहते हैं बेस्ट क्वालिटी में तो कैसे कर सकते, उसके लिए आप लोग कहीं ना जाना पर वो सेटिंग पर क्लिक करना, सेटिंग पर क्लिक करना है डाटा एंड स्टोर पर क्लिक करना, उसका आप लोग डायरेक्ट सीधे नीचे जाना है। उसके लिए फोटो अपलोड क्वालिटी आप लोग नीचे ऑप्शन मिलेगा फोटो अपलोड क्वालिटी, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करना देखिए बेस्ट क्वालिटी ऑटो रिमाइंडर, उसके बाद डाटा सर्वर आप लोग डाटा सर्वर, उसके लिए कोई देखिए यहाँ पर आप लोग बता दें 8 नंबर ट्री बता रहे हैं, कोई आप लोग अप्लीकेशन डाउनलोड करने नहीं, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा आप लोग को इस सब के लिए। तो आप लोग बेस्ट क्वालिटी कर दीजिएगा तो फोटो जितना फोटो बेस्ट क्वालिटी में रहेगा उतना क्वालिटी में जो है फोटो जाएगा 100% गारंटी के साथ। उसके बाद आप लोग यहाँ पर ओके कर दीजिए। और लास्ट ट्रिक 10 ट्रिक क्या है जो आप लोग देख लीजिए समझ लीजिए, ये बहुत ही जरूरी ट्रिक है। तो जैसे 10 ट्रिक क्या है, जैसे आप लोग फ्रेंड आपका घर में हो गया गार्जियन हो गया या परिवार में कोई भी हो गया भाई बहन हो गया या गर्लफ्रेंड हो गया बॉयफ्रेंड हो गया, आप लोग उसका मोबाइल व्हाट्सएप चेक करना चाहते हैं कि किससे जो है ज़्यादा चैट करता है, किससे ज़्यादा बात करता है, किससे ज़्यादा कॉल पर रहता है, किससे ज़्यादा चैटिंग करता है, किससे ज़्यादा मतलब आप लोग जो भी हो आप लोग फोटो वीडियो भेजा भेज करता है, किससे आप लोग करता है, कोई भी गार्जियन हो आप लोग उसे सेंड करता है, मतलब किससे ज़्यादा चैट करता है। तो उसे पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग को पता लगाइएगा वो क्या जो है यूज़ कर रहा है, किसके साथ बात कर रहा है। तो उसके लिए कहीं आपको जाना नहीं पड़ेगा, ओनली आपको सेटिंग में आना पड़ेगा, व्हाट्सएप के सेटिंग में आना,
स्टोरेज एंड डाटा पर क्लिक करना, ऊपर में मैनेज स्टोरेज मिलेगा आप लोग को, उस पर जब क्लिक कीजिएगा, देखिए मैनेज स्टोरेज पर जब क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने पर जिसमें ज़्यादा यूज करता होगा जो भी फ्रेंड आपका जो भी ज़्यादा यूज करता होगा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी जिसमें बात कर जाए चेट करता होगा आप लोग को, जो भी व्हाट्सएप में जिसका चेक करो जो किससे बात ज़्यादा बात करते सब आप लोग यहाँ पर पता चल जाएगा। तो इस तरह आप लोग जो है किसी फ्रेंड का जो आप लोग मतलब जान सकते हैं वो किससे चेट करता है, किससे बात करता है, आप लोग पूरा जानकारी निकाल सकते हैं, किससे जब टाइम ज़्यादा मतलब व्यस्त रहता है किस पर बात करता है, तो इस तरह पूरा आप लोग जानकारी निकाल सकते हैं अपने फ्रेंड को। तो ये छोटा सा ट्रिक आप लोग कैसा लगा फ्रेंड, क्योंकि आप लोग को इस चैनल पर हर तरह का इससे वीडियो मिलता रहता है, व्हाट्सएप से जुड़ा इंस्टाग्राम से जुड़ा आप लोग वीडियो मिलता रहता है, इसलिए अभी तो वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर नहीं करिए प्लीज़ अपने फ्रेंड का वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज कहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद, वीडियो को देखते रहिए।